खबर भिरुंदा से है। नगर भिरुंदा में कुछ दिनों पहले हुई स्कूल में बस में बच्ची के साथ घटना के बाद जागा प्रशासन। नगर के सभी स्कूलों की बस में कैमरे लगे, फिटनेस ड्राइवर हेल्पर सहित कई महत्वपूर्ण चीजों को थाने के सामने स्कूल बसों को रोककर चेक किया गया और जिन बसों में कैमरे फिटनेस नहीं है उन्हें कुछ दिनों की मोहलत देकर सख्त निर्देश दिए हैं। वहीं भिरुंदा थाना प्रभारी गिरीश दुबे ने खुले शब्दों में स्कूल संचालकों को चेतावनी दी है कि अगर आगे से कोई लापरवाही मिली तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। कल भिरुंदा पुलिस द्वारा कस्बा भिरुंदा में जो प्राइवेट स्कूल हैं उनके बसों का निरीक्षण किया गया, सवेरे चेक किया गया, जिसमें बच्चों की सुरक्षा इंतजाम के मापदंड देखे गए, जिसमें पैनिक बटन, सीसीटीवी कैमरे, जीपीएस और ड्राइवरों का लाइसेंस, गाड़ी का बीमा एवं फिटनेस चेक किए गए हैं। अभी सभी बसों में प्रपत्र तो उनके आरटीओ संबंधित पूरे मिले हैं एवं कुछ बसों में कैमरे की और जीपीएस की कमी, तो उनको हिदायत दी गई है कि इसको 3 दिन के अंदर भी आप पूरी करा लें और सुरक्षा के इंतजाम पूरे चाक चौबंद रखें। सर, अगर 3 दिन के बाद अगर नहीं करवाते हैं उस पर क्या कोई कार्रवाई होगी? फिर इन पे हम आरटीओ के प्रावधानों के अंतर्गत हम जुर्माने की कार्रवाई करेंगे एवं इनको बाध्य करेंगे यहाँ गाड़ी खड़ी करवा के कि आप इसमें जीपीएस और कैमरे और पैनिक बटन